अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और जहाँ होंगे आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन दबा दें ताकि मैं न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरा एक सेकंड चैनल है शानी 2.0 के नाम से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन शूट शो हो रहा होगा आप लोगों को डिस्प्ले पे। जाएं चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें मेरे ये सेकंड चैनल। जैसे आप लोगों ने मेरे मेन चैनल को सपोर्ट किया, इस चैनल को भी सपोर्ट करें। इसमें मैं अपने ब्लॉग अपलोड करता हूं और जिन लोगों की मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी गाड़ियों की, आज मैं अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया मैं ईद की वजह से, उन लोगों से माजरत। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी गाड़ियाँ एडिट करने वाला हूँ। और जितने भी लोगों ने मुझे गाड़ियाँ सेंड करी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों के पास कोई गाड़ी है, अगर आप भी सेल करना चाहते हैं अपनी गाड़ी की, पूरी डिटेल मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो मिस नहीं करनी, वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो स्केप नहीं करनी। स्केप करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि वीडियो का जो मेन पार्ट है, जो मालूम वाला पार्ट है, वो आप लोगों को मिस हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलिए शुरू करते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास गाड़ी है एल्टो है, सुजुकी एल्टो VXR 2008 का मॉडल है। गाड़ी के 3 से 4 पीस गाड़ी के टचअप हैं, बाकी गाड़ी चेन कंडीशन में है। गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, अलार्म लगे हुए हैं और टायरों कंडीशन तकरीबन की 80% तक गुड है। टैक्स वगैरह पेड है और गाड़ी की जो लोकेशन है कराची की है। अगर आप लोग गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो एंड में आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा ओनर का और इसकी डिमांड भी। तो गाड़ी में आपको कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं 6,30,000 रुपये, नंबर ओनर का शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, बाहर से गाड़ी ये टचअप है और इसके अलावा पेपर सब कंप्लीट है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है। तो इस गाड़ी की जो मुझे रिसीव हुई थी 3-4 दिन पहले हुई थी, मैं आज अपलोड कर रहा हूँ वीडियो लेट होने की वजह से। तो गाड़ी अच्छी, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो अगली गाड़ी हमारे पास है सुजुकी कल्टस है, 2005 का मॉडल है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। तो जितने भी लोग मुझे सुजुकी कल्टस की रिक्वेस्ट कर रहे थे या ऐड कर रहे हैं, तो ये गाड़ी है मुझे थोड़ा सा बजट रेंज में नज़र आई। तो जितने भी लोग संडे बाज़ार के हवाले से कुछ पूछ रहे थे कि रेट में कमी आई, कि अभी तक कोई कह नहीं सकते संडे बाज़ार में जो कीमतें हैं गाड़ियों की कम हुई हैं। बहरहाल अभी जो ईद के बाद कल का संडे बाज़ार लगेगा उसमें पता चलेगा गाड़ियाँ कितनी कम हुई हैं। तो इसकी डिमांड है 5,20,000 रुपये और इसमें कमी पेशी हो जाएगी। ओनर का नंबर मौजूद है डिस्प्ले पर और इसके पेपर वगैरह सब कंप्लीट हैं। तो अगली गाड़ी हमारे पास सुजुकी एल्टो है VXR और तो बाहर से गाड़ी है शावर्ड है, 2006 का मॉडल है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, अंदर से टोटल गाड़ी जेन्युइन है, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर लगे हुए हैं, पेपर सब कंप्लीट हैं, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है, टैक्स वगैरह पेड है। इस गाड़ी का लोकेशन कराची की है और गाड़ी में अंदर से कोई काम नहीं है, बाहर से भी कोई काम नहीं है। गाड़ी में इंजन वगैरह सील्ड है इस गाड़ी का और इस गाड़ी की जो बाहर की कंडीशन मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, सिर्फ शावर्ड है, बाकी अंदर से जो लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है सीटों में बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में। हम लोग अभी इंटीरियर की तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह से, 2006 का मॉडल है। गाड़ी बाहर से शावर्ड है, अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है। तो इसकी लोकेशन है वो कराची की है। अगर आप लोगों को गाड़ी समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके मज़ीद मालूम भी ले सकते हैं। ओनर का जो नंबर है वो मौजूद होता है वीडियो के एंड में। तो जितनी भी गाड़ियाँ मैं अपलोड करता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि पूरी डिटेल आप लोगों को मैं दे दूँ। बहरहाल इसके अलावा भी अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप लोग डायरेक्ट ओनर से रब्ता कर सकते हैं। उसका ओनर का जो नंबर है हर गाड़ी की जो वीडियो की एंड में मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसकी डिमांड है देख सकते हैं आप लोग, 4,40,000 रुपये इसमें कमी पेशी हो जाएगी। टैक्स वगैरह पेड है, बाहर से गाड़ी शावर्ड है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है और CNG पेट्रोल वगैरह वर्किंग में है, AC वगैरह भी वर्किंग में है और AC और CNG इसकी कंपनी फिटेड है। तो गाड़ी मशाल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। तो इसके अलावा जो अगली गाड़ी हमारे पास है वो सुजुकी मेरान है। सुजुकी मेरान की मुझे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि शानी भाई सुजुकी मेरान ऐड करें, 2010-2011 के मॉडल की, जो कम रेंज में हो, 5 लाख के बीच बीच में। तो ये गाड़ी है सुजुकी मेरान है, 2011 का मॉडल है। गाड़ी बाहर से टचअप है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है और टायरों कंडीशन की बात करें तकरीबन के 70 से 80% तक गुड हैं। और इंजन रूम की बात करें तो इंजन रूम बिल्कुल साफ़ सुथरी अपनी कंडीशन में, टोटल जेन्युइन कंडीशन में इंजन रूम। तो अपने इंजन में सीड इंजन में ये गाड़ी मेरान है, 2011 का मॉडल है। टैक्स वगैरह पेड है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है। कराची की लोकेशन है, अगर आप लोग गाड़ी परचेस करनी तो कराची की लोकेशन में ये गाड़ी है। अगर आप लोग गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो ये कराची की लोकेशन है। तो जितने भी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे 10-11 के मॉडल की, तो 11 का मॉडल मैंने ऐड कर दिया है। आज की वीडियो में 11 के जो मॉडल हैं दो हैं,
तो इसकी डिमांड है 4,35,000 रुपये। इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी, टैक्स वगैरह पेड है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है। तो जंप साइड वाली मुखिया भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन से, और बैक साइड से कुछ इस तरह से। तो अगली गाड़ी हमारे पास है वो भी मेरान है, वो भी 2011 का मॉडल है। जितने भी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूँ, और जितने भी लोग मुझे कह रहे थे कि यार 4,00,000 या 5,00,000 के बीच में कोई गाड़ी होनी चाहिए तो ये है। तो 4,00,000 के फिगर में तो आजकल बहुत मुश्किल है 2011-2010 के मॉडल के, क्योंकि प्राइस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हुई हुई है। तो कोशिश करेंगे जितनी हमें कम कीमत वाली गाड़ियाँ रिसीव होती हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। ये गाड़ी बाहर से टच है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, और पेपर वगैरह सब कंप्लीट हैं। 2011 का मॉडल है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है, और इसमें एसी नहीं है, इसमें सीएनजी पेट्रोल वगैरह है। जो पिछली गाड़ी मैंने दिखाई थी मैंने उसमें एसी वगैरह है, पर इसमें नहीं है। ये भी VX है, पिछली गाड़ी VX थी। तो इसकी डिमांड है, इसकी थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है 4,75,000 रुपये, लेकिन इसमें कमी पेशी हो जाएगी, ये सिर्फ डिमांड है। ख़रीदने वाली प्राइस अगर आप लोग ऑफ़र जो देंगे इसके हिसाब से आपस में आप लोग कॉन्टेक्ट करके एक दूसरे से बात वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं आप लोगों को नंबर ज़रूर दे दूँ ओनर का, जिसके पास ये गाड़ी मौजूद होती है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाती है, डायरेक्ट आप लोग ओनर से बात कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जिसके पास अवेलेबल होती है ज़रूर सी जाहिर सी बात है उसको सही तरह से पता होगा गाड़ी के बारे में। मुझे जिस तरह बताया जाता है गाड़ी के बारे में, यार हमारी गाड़ी इतनी जेन्युइन है, इतनी पीस टचअप है, तो वो मैं आप लोगों से तरह से गाइड करता हूँ। तो अगली गाड़ी हमारे पास है GLI 2010 का मॉडल है। 2010 की जितनी भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने ऐड कर दी गाड़ी। तो गाड़ी 15,00,000 की रेंज में, ये गाड़ी 15,00,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी बाहर से टचअप है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, और ये GLI है, 2010 का मॉडल है। अलायरिम लगे हुए हैं, तकरीबन के टायरों की कंडीशन 70 से 80% तक गुड है। तो अगर आप लोग ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी भी लोकेशन कराची की है, और ये होम यूज़ गाड़ी है, घर की चली हुई गाड़ी है, ऑफिस के यूज़ में है। तो अगर आप लोग ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन कराची की है, 2010 का मॉडल है, 15,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। ओनर का नंबर है जो वो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा आप लोगों को, तो अंदर से बिल्कुल जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है, इंजन रूम वगैरह जेन्युइन है इसका, अपने इंजन में ये गाड़ी। तो इसके अलावा जो गाड़ी है वो विजल है, हुंडा विजल की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि शानी भाई हुंडा विजल ऐड करें, तो संडे बाज़ार में मुझे मिल नहीं रही थी। तो फाइनली किसी बंदे ने मुझे सेंड करी, यार भाई ये मुझे गाड़ी सेल करनी है। तो ये हुंडा विजल है, जेड पैकेज में है गाड़ी, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, 2014 का मॉडल है, 16 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। ये गाड़ी हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं ये आप लोग बता दूँ मैं, और इनमें CNG वगैरह नहीं लगता। तो कुछ लोगों को पता होता है, बहरहाल कुछ को नहीं पता होता, तो मैं बता भी देता हूँ अपनी वीडियो में किस गाड़ी में CNG लगा होता है, किस में नहीं होता, किस में लग सकता है, किस में नहीं लग सकता। हालांकि ये है कि जेपनीज़ गाड़ियों में बहुत ही कम ऐसी गाड़ियाँ आई हैं जिसमें CNG इंस्टॉल हुआ है पाकिस्तान में, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ सारी पेट्रोल में होती हैं, और अक्सर छोटी गाड़ियाँ होती हैं जेपनीज़ वाली वो 660 cc में होती हैं। तो इसमें देख सकते हैं एंड्रॉयड पैनल वगैरह लगा हुआ है, अंदर लाइटिंग शाइटिंग की हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, अंदर से 100% जेन्युइन है, बाहर से भी गाड़ी है पूरी जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर। तो इसकी 32,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, जेड पैकेज में है, हुंडा विजल 2014-2016 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन में, अगर आप लोग गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन कराची की है, इसकी प्राइस में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। तो मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप लोग कोई भी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, उनका नंबर जो ओनर का होता है मैं हर गाड़ी की जो वीडियो के एंड में दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग भी अपनी गाड़ियाँ सेल परचेस करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी गाड़ी की पूरी डिटेल वगैरह सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे आपकी गाड़ी। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ आप लोग अपनी गाड़ी सेल परचेस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो तो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर बिशी की ये गाड़ी है, 2013 है, 2016 की रजिस्टर है गाड़ी की, बम्पर सिर्फ टचअप है, इसके अलावा गाड़ी पूरी चेनिंग कंडीशन में है, और इसकी प्राइस भी आवेट्स के, और इसके अलावा दूसरी अगर हम लोग GLI XLA की बात करें तो उनसे काफ़ी कम है, बाकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में, गाड़ी की सिर्फ बम्पर वगैरह टचअप है, इसके अलावा गाड़ी पूरी जेन्युइन है, सिल्वर कलर में, गाड़ी बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन में, और देख सकते हैं नॉर्मल स्टेपनी टायर लगे हुए हैं, तकरीबन के 80% टायरों की कंडीशन भी गुड है, और डिग्गी वगैरह बंद करवा के इस गाड़ी का नाम वगैरह मैं आप लोग चेक कराया था। तो ये है गाड़ी, और मिरेज गाड़ी का नाम है, और मिस्टर विशी की ये गाड़ी है, सिल्वर कलर में है, गाड़ी के सिर्फ बम्पर टचअप है, इसके अलावा गाड़ी पूरी जेन्युइन कंडीशन में है, 2013 का मॉडल है, 2016 की रजिस्टर पाकिस्तान में है ये गाड़ी, और इंजन वगैरह भी दिखा दूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को अंदर की कंडीशन थोड़ी सी दिखा देता हूँ।
तो अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह से है। तो ये सीलें वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल ही जेन्युइन कंडीशन में है गाड़ी। और अंदर से देख सकते हैं आप लोग, शॉपर वगैरह इंस्टॉल करवाए हुए हैं। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और पावर मिरर में है गाड़ी। LCD बैक कैमरा इंस्टॉल है। ऑटो ट्रांसमिशन में है गाड़ी। और पूरी गाड़ी अंदर से जेन्युइन कंडीशन में, जैसे लुक लाइक न्यू गाड़ी है। और देख सकते हैं मिरर वगैरह पे भी आप लोग, और ये साइड भी देखते हैं, ये शॉपर वगैरह इंस्टॉल करवाया है मैंने। तो गाड़ी माशाल्लाह अंदर से पूरी जेन्युइन है। बाहर से गाड़ी बम्पर की साइड सिर्फ टचअप वगैरह है, बाकी इसके अलावा बॉडी वाइज कोई गाड़ी में काम नहीं है, कोई टचअप नहीं है गाड़ी में। तो रूम वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। ज़रा रूम दिखा देंगे सर? तो इसकी डिमांड क्या है वो ओनर से मिल के पूछ लेंगे। एक बार मैं आप लोगों को रूम वगैरह दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो माशाल्लाह कितने सीसी में सर ये गाड़ी? 1000 सीसी में है। ठीक है सर। ऑटो ट्रांसमिशन में, 1000 सीसी इंजन में है और बिल्कुल ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। ओरिजिनल है पूरा का पूरा रूम इस गाड़ी का, और पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। सिर्फ बम्पर वगैरह इस गाड़ी के थोड़ी बहुत टचअप हैं। बहुत शुक्रिया। बस बंद करें। क्या डिमांड करें सर इसकी? 15.5। कोई कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करे लेने के लिए तो? थोड़ा बहुत हो जाएगा। 16-20 की दी थी। अच्छा, खुद आपने परचेस की हुई है? ठीक है। तो इसकी भाई की घर की गाड़ी है, खुद भाई ने परचेस की हुई थी, अभी भी मतलब के लॉस में ही दे रहे हैं, टैक्स वगैरह पेड है इसका? कितने ओनर में गाड़ी है तकरीबन? अच्छा, कितना चली हुई है सर ये गाड़ी? 93,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई टोटल। ठीक है, नंबर बता दीजिए सर अपना। 0321-2022-2022-471। क्या नाम है आपका सर? खालिद भाई। तो खालिद भाई लोकेशन कहाँ की है अगर आपसे कोई परचेस करना? शराफ फैसल। तो शराफ फैसल की लोकेशन है भाई की, नंबर वगैरह ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे। किसी भाई को गाड़ी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो भाई से परचेस कर सकते हैं। 2013-2016। अस्सलाम वालेकुम, ये है सुजुकी स्विफ्ट 2013 का मॉडल है। और जितने भाई मुझे सुजुकी स्विफ्ट की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये मेरे सामने है। पूरी गाड़ी जेन्युइन है और मेरून कलर में गाड़ी, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। अलायरिम लगे हैं, टायरों कंडीशन तकरीबन 70-80% तक गुड है। तो स्विफ्ट के जितने भी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे, तो रिक्वेस्ट अगर आप लोग की पूरी हो गई तो मुझे मैसेज में या कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपने ये गाड़ी देख ली मेरे चैनल पर। तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, गाड़ी टोटल जेन्युइन है और बॉडी वाइज कोई भी मतलब कि स्क्रैचेज इतना नहीं है कि आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमको काम करवाना पड़ेगा बॉडी में। बॉडी वाइज गाड़ी ओके है 100%। और टायरों कंडीशन भी तकरीबन के आपको 1-1.5 साल तक दंग नहीं करने वाले टायर भी। तो अंदर दरवाज़ों की बात करें तो दरवाजे भी पूरे गाड़ी के जेन्युइन है सर। वो ऑनर खड़ा हुआ है 2013। तो अंदर से देख सकते हैं आप लोग, जेन्युइन सीट कवर हैं इसके। और अंदर से पूरी गाड़ी ऐसी है जैसे लुक लाइक न्यू। तो गाड़ी की जो कंडीशन होती है, मैं सेम आप लोग कोशिश करता हूँ कि वही बताऊँ कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पावर स्टेयरिंग में है, पावर मिरर में है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है। और देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। इसके अलावा मैं आप लोग रूम वगैरह भी दिखाया था गाड़ी में, रूम किस कंडीशन में है। तो रूम खोल लीजिए ज़रा सर, चेक करा दीजिए। तो मैं रूम वगैरह भी दिखाया था गाड़ी का। तो रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। ये सामने की पट्टी देख सकते हैं आप लोग, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। अगर आप लोग फिर भी आप लोग लेते हैं गाड़ी, तो सही तरह से चेक करवा लीजिए गाड़ी को, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में। ये गाड़ी 2013 का मॉडल है। बाकी ओनर से पूछ लेते हैं क्या इसकी डिमांड है और कितने में फाइनल छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर इसकी? इसकी 14 लाख। अच्छा, 14 लाख डिमांड है। 13.5 में आ सकती है गाड़ी। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? सब कुछ क्लियर है। कितने ओनर में ये गाड़ी है? कितने मालिक में ये गाड़ी? एक ही मालिक है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी है। ठीक है, कितना चली हुई है पता है कुछ गाड़ी का? नहीं पता है। अच्छा, कितना चली? ठीक है, ड्राइवर को पता है। ठीक है सर जी, नंबर बता दीजिए अपना बस। 0301-2828-16-625। क्या नाम है आपका? नवीद भाई। लोकेशन कहाँ की अगर आपसे कोई गाड़ी परचेस करनी? डिफेंस की लोकेशन है। ठीक है, 37 गली 28 बंगला। ठीक है, तो छोटा बुखारी 37 गली 28 नंबर बंगला। ठीक है, मुहाफिज रोड। तो ये डिफेंस की लोकेशन है भाई की। बाकी नंबर वगैरह क्या है स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग गाड़ी परचेस करनी है तो भाई से आप लोग रब्ता कर सकिए सर। तो अस्सलाम वालेकुम, सुजुकी मेरान है 2012 का मॉडल है। और गाड़ी के सिर्फ 2 पीस इस गाड़ी के टचअप हैं, इसके अलावा गाड़ी पूरी जेन्युइन है। पीस कौन से टचअप हैं? ये वाला फाइंडर है, इसके अलावा बाकी ये वाला फाइंडर है। AC लगा हुआ है, VX वेरियंट में है। गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है, सिर्फ 2 पीस के अलावा बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन में है। थ्रू पेट्रोल पर ये गाड़ी, और टायरों कंडीशन तकरीबन के 80% तक गुड है। वो पूरी डिटेल मैं आपसे बाद में पूछ लेता हूँ, पहले गाड़ी को पूरी विजिट करा देता हूँ।
तो जितने भाई मुझे मेहरान की रिक्वेस्ट कर रहे थे यार वी एक्स एड करें 2010 2011 2012 के मॉडल, तो 10 तो मैंने ऐड कर लिए लेकिन 12 और 11 मैंने ऐड नहीं करी थी, तो मुझे 12 मिल गई, मैंने ऐड कर दिए थ्रू पेट्रोल पे ये गाड़ी, और गाड़ी बिल्कुल ही साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में खड़ी हुई, कोई काम नहीं है बॉडी में। अगर आप लोग गाड़ी इस वक्त लेते हैं तो आप लोगों को बॉडी वाइज कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा ये खोल लीजिएगा, ज़रा ऊपर किया हुआ है तो ये दरवाजे साइड देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन में, तो गाड़ी रूम से देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ सुथरी कंडीशन में, यूरो 2 के इंजन में है और वी एक्स है, और देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें इसकी? इसकी 6 लाख रुपए डिमांड है। 6 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कमी पेशी हो जाएगी कोई? हाँ बिल्कुल, ये तो डिमांड होती है। अच्छा, कमी पेशी तो हो ही जाएगी। कोई ऐसे होते हैं फाइनल करके बैठ जाते हैं? डिमांड भी यही है फाइनल की? नहीं फाइनल ये नहीं है। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इसका? सब कुछ पेड है, स्लिप लगी हुई देखें 2021 तक दे 2021 की जो है दिसंबर की स्लिप भी लगी हुई है। और ठीक है, कितने ओनर में गाड़ी? फर्स्ट ओनर में गाड़ी, ठीक है, नंबर बता दीजिए अपना। 0333-23-23-21-982-982। क्या नाम है आपका? आबिद अली भाई, लोकेशन कहाँ की? औरंगी टाउन की लोकेशन है। तो अस्सलाम वालेकुम, टोयोटा करोला 86 डीजल इंजन में है और अपने इंजन में, बाहर से गाड़ी शावर्ड है, अंदर से गाड़ी पूरी जेन्युइन है, और इसके अलावा जो मजीद डिटेल है वो ऑनर से मिलकर हम लोग पूछ लेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोग को, तो लायरम लगे हुए हैं तकरीबन 60-70% टायरों की कंडीशन भी गुड है, बाहर से बॉडी वाइज इतना कोई काम नहीं है गाड़ी में, और पुराना मॉडल थोड़ा बहुत आप लोगों के बम्पर वगैरह ऊपर करवाने पड़ेंगे, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है। 86 है डीजल इंजन में है और अपने इंजन में, तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी है बाहर से, और साफ़ गाड़ी है इस वजह से मैं आप लोग बता रहा हूँ साफ़ है। आगे हल्का फुल्का जो ये बम्पर वगैरह का है तो ये आप लोग ये रिप्लेस भी करवा सकते हैं या तो इसको आप बनवा भी सकते हैं, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। बाकी टायरों की ये दिखाया जाता हूँ कंडीशन भी साफ़ सुथरी है, बाकी ये देख सकते हैं दरवाजे की साइड भी देखते हैं आप लोग, तो इंजन रूम भी आप लोग दिखा देता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दरवाजे वगैरह साथ दिखा देता हूँ गाड़ी के। रूम खुला हुआ है सर इस गाड़ी का? रूम खोल दीजिएगा बस, तो रूम से मैं आप लोग गाड़ी दिखा देता हूँ, और अपने इंजन में 86 की जितने भाई मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे यार 86 ऐड करें, तो 86 मैंने ऐड कर दिए फाइनल। उठा लो, तो ये देख सकते हैं आप लोग डीजल इंजन में है, और ये रूम साइड पूरी जेन्युइन इस गाड़ी की, इसके अलावा जो बाहर से गाड़ी शावर्ड है रूम पूरा जेन्युइन इस गाड़ी का, डीजल इंजन में है टोयोटा करोला 86। बाकी डिमांड वगैरह क्या है भाई से वो पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर इसकी? इसका 320 डिमांड करें, कोई कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर आपसे कोई रब्ता वगैरह करे तो लेने के लिए? इससे कम हो जाएगा, कोई हो जाए गुंजाइश है मतलब कि? ठीक है, टैक्स वगैरह पेड इसका जी? टैक्स पेड किया हुआ है? अच्छा, कितने ओनर में गाड़ी है, कितने मालिक में है? कितने बंदों के नाम पे ये गाड़ी? अच्छा, जब वो लेने आएंगे तो फाइल चेक कर लें, मतलब फाइल कंप्लीट है इसकी? ठीक है, कोई काम वगैरह तो नहीं है गाड़ी में इस वक्त जो खड़ी है? ठीक है, नंबर बता दीजिए भाई अपना, नंबर है जी पर वो दो जिसके पास गाड़ी अवेलेबल हो। 0334-0634-0693 क्या नाम है? अली हसन भाई, कहाँ की लोकेशन है? हफचौकी की लोकेशन है, मतलब ये गाड़ी अभी हफचौकी जाएगी सौर बाज़ार के बाद। ठीक है, तो हफचौकी में से अगर कोई मेरा भाई देख रहा है मेरी वीडियो तो हफचौकी में ये गाड़ी अवेलेबल है, इसके अलावा अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो हफचौकी में से गाड़ी परचेस कर सकते हैं। 86 है डीजल इंजन में अपने इंजन में, बाकी कागजात वगैरह कंप्लीट है इस गाड़ी के, और ओनर का नंबर जो है डिस्प्ले में मिल जाएगा, अली हसन भाई का नाम है। बहुत शुक्रिया।